हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं, तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, इन दिनों बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय हैं, वहाँ के शिक्षक शिक्षिका भाई बहन विभागीय जो कार्य अनुभव है, उसका दबाव है, उसको महसूस कर रहे हैं। विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसका एक शेड्यूल बना हुआ है, वो चरणों में विभाजित है कि अक्टूबर 2024 से समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों को निपुण करना है। विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता ये भी है कि जिले के भीतर अंतः जनपदीय समायोजन एवं स्थानांतरण करने। विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता ये भी है कि DBT के अलावा UDAS पोर्टल पे वर्क करने। इन समस्त विभागीय जो प्राथमिकता हैं, जो सर्वोच्च प्राथमिकता हैं, उनके मद्देनज़र रखते हुए शिक्षकों के जो आराम है, शिक्षकों के जो घरेलू जिम्मेवारी हैं, उसका जो अपना इलाज है, बड़े बुज़ुर्गों और छोटे जो भाई बहन हैं, जो बच्चे हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा जो भी है वो प्रभावित हो रही है। शिक्षकों की अगर हम बात करें तो जो शिक्षिका बहनें हैं, जो माताएं हैं, उन्हें चाइल्ड केयर लीव अनुमन्य होती है। पहले ये चाइल्ड केयर लीव एक साथ में ही तकरीबन 3 माह की 90 डेज़ की मिल जाया करती थी। बाद में इसका जो दायरा है वो घटाया गया, क्योंकि कहीं कहीं पे ये देखा जाता था कि शिक्षक दो ही हैं और एक शिक्षिका अगर 90 डेज़ पे स्कूल को किट कर देती है तो अनिवार्य एवं बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो वहाँ पे अध्ययनरत बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको शिक्षित करने में, सरकारी योजनाओं को मूर्त रूप देने में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी परेशानी आती है। जो भी स्टाफ रहता है वो उससे सफ़र करता है, वो स्टाफ ही नहीं, पूरा बच्चे, विद्यालय, पर्यावरण और पूरा का पूरा जो शैक्षिक व्यवस्था का ताना बाना है, जो एक प्रकार से कड़ी शैक्षिक व्यवस्था की बनी है, वो टूट जाती है। जो भी बच्चे अपने कक्षा अध्यापक से पढ़ते हैं, अध्ययन अध्यापन का कार्य चलता रहता है, एक शिक्षक के चले जाने से वो ट्यूनिंग, वो तारतम, वो रिदम, वो लय एक झटके में टूटता है और काफ़ी हद तक शिक्षक जो भी रहते हैं उनकी घरेलू जिम्मेदारी रहती है, उनको अपने बच्चे को संभालना रहता है, घर परिवार को मैनेज करना रहता है। ऐसी स्थिति में ही जो दबाव परेशानी रहती है, घरेलू जिम्मेदारियां रहती हैं, उसी के मद्देनज़र रखते हुए शिक्षिका बहनें CCL लेती हैं और उन्हें लेना भी चाहिए, उनका वो एक राइट है, क्योंकि कोई भी शिक्षिका जो बहन है वो मैटरनिटी लीव पर अगर गई है, बच्चा छोटा है, सर्विस पे लौट के आती है, तो उसको CCL लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो छोटा है और घर में अगर बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है तो चाइल्ड केयर लीव उसका राइट है। लेकिन दोस्तों इन दिनों एक जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश में जैसे एक अनौपचारिक रूप से उच्च अधिकारियों के द्वारा निर्देशन या आदेश प्राप्त हो चुके हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय किसी भी जनपद के CCL अवकाश को स्वीकृत नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर CCL अवकाश रिजेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पे हों, चाहे आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पे हों। कहीं ना कहीं ऊपर से शीर्ष अधिकारियों के द्वारा ये बात कही गई है कि चाइल्ड केयर लीव किसी का राइट नहीं है, किसी का अपना अधिकार नहीं है कि चाइल्ड केयर लीव ले लिया जाए। विभागी जो कार्य हैं उसकी प्राथमिकता
को देखते हुए अपरिहार्य स्थिति में ही सीसीएल की स्वीकृति प्रदान किया जाए। अभी तक ये सारी बातें अनौपचारिक रूप से ही चल रही थी, क्योंकि किसी भी अधिकारी के द्वारा औपचारिक रूप से सीसीएल के विषय में कोई पत्र निर्गत नहीं किया गया था। लिहाजा जितने भी जनपद हैं वहाँ पे जो अधिकारी हैं, जो मुखिया हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, उनकी मर्सी और उनकी संवेदनशीलता पे ही था कि वो सीसीएल स्वीकृत करते हैं या नहीं। दोस्तों ये भी बात सही है कि इन दिनों FLN की ट्रेनिंग विकास खंडों में गतिमान है। अक्टूबर 2024 में विद्यालय को निपुण बनाना है, DBT का काम भी है, UDAS पोर्टल पे भी काम है, तमाम काम है। इन काम के बीच में भी जो शिक्षिका बहनें हैं उनका घरेलू जिम्मेदारी भी है। तो एक जनपद के BSA साहब ने औपचारिक रूप से ही सही, लेकिन उन्होंने एक पत्र निर्गत किया। इससे ये पता चलता है कि विभाग की जो प्राथमिकता है वो सिरमौर है और विभाग पूरी तौर तरीके से इसे पूरा करना चाहता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है विभाग की। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रावस्ती से पत्र निर्गत हुआ है, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी श्रावस्ती को प्रेषित। विषय है बाल्य देखभाल अवकाश के संबंध में। विदित है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनेक विभागीय कार्य जैसे शैक्षिक सत्र 2024-25 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन DBT UDAS 2024-25 आदि गतिमान है, जिसे समय से पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है। तथा महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशानुक्रम में प्रथम चरण 2024 में लक्ष्य के सापेक्ष विद्यालय निपुण किए जाने हैं। प्राय देखने में आ रहा है कि आप द्वारा अधिक मात्रा में CCL अवकाश अग्रसारित किया जा रहा है, जिससे विभागीय कार्यों में विद्यालय संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा छात्रों की नियमित उपस्थिति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों आपने देखा कि जो परसेप्शन है डिपार्टमेंट का वो यही है कि ज़्यादा संख्या में शिक्षिकाएं जब CCL पे चली जा रही हैं और उसे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो विभाग का जो कार्य है, विद्यालय का जो संचालन है और छात्रों की नियमित उपस्थिति, इन तीनों चीज़ों पर प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि शिक्षक विद्यालय से जैसे चले जाते हैं कहीं ना कहीं एक मोनोटोनी, एक रास्ता विद्यालय में पसर सी जाती है। जो कक्षा अध्यापक रहता है उसका अनुशासन बच्चों पे काम करता है और फिर उन्हीं बच्चों को दूसरा जो टीचर रहता है एकाएक जो मैनेज करना शुरू करता है, तो उस तौर तरीके से वो कभी नहीं मैनेज कर पाएगा जिस तरीके से कक्षा अध्यापक मैनेज करते हैं। तो उसका रिजल्ट ही ये होता है कि बच्चों की उपस्थिति पे बहुत तेज़ी से असर पड़ता है। अब बात हो रही उपरोक्त के संबंध में निम्नोक्त निर्देश दिए जाते हैं। अपरिहार्य स्थिति एवं आवश्यकता अनुसार परीक्षण करते हुए बाल्य देखभाल अवकाश अग्रसारित किया जाए। दूसरा बिंदु है बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत के बिना कोई भी शिक्षिका विद्यालय न छोड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए जब तक उनका अप्रूव्ड न हो जाए सक्षम अधिकारी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो CCL अवकाश है, चाइल्ड केयर लीव, वो तो शिक्षिका बहनें लेती हैं, वो जानती भी हैं, लेकिन अगर कोई ना जानते हों उनके लिए ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब CCL अवकाश जो महिला शिक्षिका बहनें हैं वो आवेदन करती हैं तो सर्वप्रथम वो हेड टीचर के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होता है, हेड टीचर के हेड पे जाता है, वहाँ से वो CCL जो अवकाश है उसको नेसेसरी एक्शन के लिए BO सर को फॉरवर्ड कर देते हैं। CCL इज़ बीइंग फॉरवर्डेड फॉर योर नेसेसरी एक्शन, ये लिख करके BO सर को फॉरवर्ड कर देते हैं और BO सर उसको BSA सर के हेड पे फॉरवर्ड करते हैं और BSA सर के द्वारा ये CCL अप्रूव होता है। ये प्रोसेस है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब तक ये BSA सर के द्वारा अप्रूव ना हो जाए कोई भी शिक्षिका बहने इसका विद्यालय ना छोड़ें। बाल्य देखभाल अवकाश मांगे जाने की तिथि से पूर्व अग्रसारित करें। अवकाश की तिथि प्रारंभ होने अथवा समय बीत जाने के बाद कदापि ना अग्रसारित ना करें। कहने का मतलब है कि जो अवकाश शिक्षिका बहनें मांग रही हैं टाइमली उसको BSA सर कह रहे हैं कि हमारे पास भेज दें ताकि हम उस पर कार्य कर सकें और शिक्षिका बहन जो भी है जिस तारीख से वो अवकाश ले रही उससे पहले ही हम उसका अप्रूव कर दें। ऐसा ना हो कि 3 तारीख से जाने हैं और आप
4 या 5 तारीख को हमारे पास फॉरवर्ड कर रहे हो। ऐसी गलती बीओ साहब बिल्कुल ना करें, और इस तौर तरीके से अग्रसारित आपको नहीं करने हैं, क्योंकि उसमें 3 से कोई शिक्षिका बहन अगर अवकाश ले रही है 3 सितंबर से, और 5 सितंबर को खंड शिक्षा अधिकारी महोदय उसका बीएसए सर के लॉगिन पोर्टल पे वो रिफ्लेक्ट होता है, तो 2 दिन का शिक्षिका बहन का अवकाश मान लीजिए सेम डे ही वो अप्रूव कर देते हैं, तो 2 दिन का उसका लॉस होता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, एक प्रकार का कॉम्प्लेन भी है। किसी शिक्षिका बहन द्वारा ज़रूर इस तरीके का कॉम्प्लेन किया गया होगा, खंड शिक्षा अधिकारी लेट लतीफ़ हमारे CCL को फॉरवर्ड करते हैं आपके पास। तो ये लेटर निकला हुआ, अजय कुमार जी हैं, आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं श्रावस्ती जनपद में, और इसे जिलाधिकारी महोदय श्रावस्ती, मुख्य विकास अधिकारी महोदय श्रावस्ती, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी श्रावस्ती, समस्त प्रधानाध्यापक, प्रभारी अध्यापक, सहायक अध्यापक, परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय श्रावस्ती को अनुपालनार्थ कार्यालय प्रति। तो ये एक औपचारिक पत्र निकल जाने से बिल्कुल समझ में आ गया है कि ये भले ही श्रावस्ती से निकला है, लेकिन कमोवेश यही स्थितियाँ हर जनपद में हैं। CCL सक्षम अधिकारी द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है, और उसका कारण दोस्तों आप समझ लीजिए, उसका कारण इसी चिट्ठी में बहुत सही तौर तरीके से दिया गया है। आज के लिए इतना ही वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, इसे शेयर और सब्सक्राइब भी करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही शैक्षिक बातों और तत्वों पे वीडियो लेके आते हैं। जल्द आपके समक्ष एक नए अपडेट्स और वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।